हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों, मिशन अब्रॉड चैनल में आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने AIPP अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम और सस्कासून PNP कनाडा के बारे में डिस्कस किया था। और इस सस्कासून PNP कनाडा वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, पॉइंट्स कैसे आपने चेक करने हैं और कैसे आप अपना लॉगिन अकाउंट उसमें बनाएंगे सस्कासून की वेबसाइट में जाकर। देखिए, देर आर टू मेथड टू अप्लाई ऑन द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। सो फर्स्ट वन इज़ यू कैन अप्लाई थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, जस्ट क्रिएटिंग योर प्रोफाइल ऑन cic.gc.ca। देन अनदर मेथड इज यू कैन अप्लाई थ्रू प्रोविंशियल वेबसाइट। यू कैन गो डायरेक्टली ऑन देयर वेबसाइट एंड क्रिएट योर प्रोफाइल देयर एंड सेंड योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन यू विल गेट नॉमिनेटेड एंड यू विल रिसीव इन्विटेशन टू अप्लाई एंड यू विल बी इजिली अप्लाइंग फॉर योर टेम्पररी वर्क परमिट। एंड विद इन 90 डेज यू नीड टू सबमिट योर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स। सो विद इन 90 डेज यू विल बी एबल टू रिसीव योर परमानेंट रेजिडेंसी। इट विल टेक अराउंड मैक्सिमम इट टेक्स 6 मंथ। सो द Staff is very accurate on that, working on that PNP's program. Okay, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे अगर सस्काचुअन PNP की एलिजिबिलिटी, कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे सस्काचुअन .ca वेबसाइट पे, जो कि सस्कासून गवर्नमेंट की वेबसाइट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन ऑन दिस चैनल, सो यू विल रिसीव योर यू नो बेनिफिशियल ट्यूटोरियल्स इन्फॉर्मेशन ऑन डेली बेसिस। सो सस्कासून वेबसाइट .ca की वेबसाइट में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टैब्स हैं हमारे पास गवर्नमेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड। अगर आपको कोई सर्विसेज के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हर प्रोविंस का अपना अपना एक रूल एंड रेगुलेशन है और आपको सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा। ऑनलाइन जाकर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं बिफोर यू फ्लाई देयर। ओके, अभी हम बात करेंगे रेजिडेंट और एंड विजिटर्स की। सॉरी, ठंडा लगा हुआ है। ओके, इमिग्रेटिंग एंड मूविंग टू सस्काचुअन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अगर आप सस्कासून के बारे में जानना चाहते हैं, अबाउट सस्कासून यहाँ पे है, चेंज योर सस्कासून एड्रेस, ये तो बात की बात है। जब आपको PR मिल जाएगा या फिर आप किसी जब अप्लाई करेंगे उस टाइम पे इमिग्रेटिंग टू सस्कासून पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप वर्क ढूंढना चाहते हैं, फाइंडिंग वर्क इन सस्कासून, तो आप इस वेबसाइट पर जाके आप वर्क परमिट जॉब्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। देखिए क्या क्या ओपनिंग्स हैं यहाँ पे। अगर आप देखिए, मैकेनिकल पाइपिंग इंजीनियर कोऑर्डिनेटर परचेजिंग, ठीक है, आप यहाँ पे जाकर अपना अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ये कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट है। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि मैं आप लोगों को फेक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने एक वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया था कि आप कैसे कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मेरा एक वीडियो था। उसमें एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, बट अगर आपको जॉब ऑफर आता है किसी भी कंपनी से कनाडा की, तो आप डायरेक्टली cic.gc.ca में जाकर उस कंपनी के बारे में जान सकते हैं, उस कंपनी के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं कि वो एक रेपुटेटेड रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं है बिफोर यू फर्दर प्रोसीड। ओके, तो इसको क्लेरिफाई करना था मैंने, तो मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जाके देखिए, मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे। देखिए बिजनेस फाइनेंस, जो भी हेल्थ सेक्टर में जॉब्स हैं, आप यहाँ पे जाके अपना रिज्यूम डाल सकते हैं अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे सस्काचून में हमने जॉब फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए अभी हम इमिग्रेटिंग टू सस्काचून की बात कर रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप। ओके, यहाँ पे देखिए सारे टैब्स हैं आपके पास, क्या क्या जरूरत होती है। लिविंग इन सस्कासून ऑप्शन, लिव एंड वर्क एंड स्टडी, ठीक, सब कुछ आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे आप क्लिक कीजिए अप्लाई टू SINP।
ओके, इन बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हाउ टू अप्लाई, फर्दर इंफॉर्मेशन आपके पास सब कुछ यहाँ पे है, कैसे आपने अप्लाई करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट इन ईच कैटेगरी, इस पे इसको भी देख लेते हैं हम। ओके, प्लीज़ बी एडवाइज द SNNP एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम विल कंडक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पूल सेलेक्शन ऑन 2017 जनवरी 17 18 को ये ओपन होगा। इंटरनेशनल वर्कर प्रोग्राम इज एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन राइट नाउ। ओके, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर इज क्लोज टू एप्लीकेशन एट दिस टाइम। एम्प्लॉयमेंट ऑफर सब कैटेगरी इज एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन। ओके, अब इसको ध्यान दें, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर सस्कास्वन इज क्लोज टू एप्लीकेशन दिस टाइम। ठीक है, अभी सिर्फ ये ऑप्शन ओपन है, कौन सा, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट ऑफर सब कैटेगरी इज एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन। अगर आपके पास सस्कास्वन से जॉब ऑफर है तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेशनल स्किल वर्कर कैटेगरी में आते हैं। ओके, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे जाना है आपने अप्लाई ऑनलाइन टू SINP। ओके, लॉग इन टू SNP ऑनलाइन अगर आपके पास ऑलरेडी है, अदरवाइज क्रिएट एन अकाउंट, सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप, स्किल्ड वर्कर और इकोनॉमिक एप्लीकेंट, इकोनॉमिक इमिग्रेशन एप्लीकेंट, इस पर क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू। आप स्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, देन इसके बाद क्रिएट योर यूजर नेम, फर्स्ट नेम, ओके, फैमिली नेम आपने देना है, पासपोर्ट से देखकर ही फिल करें आप। चलिए डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मैं इसको अपना नाम दे देता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना नाम। ये जो देखिए स्टार बना हुआ जिनमें ये रेड कलर का, ये मैंडेटरी फील्ड है, आपने इसको फिल करना है। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, कब आप पैदा हुए थे। वेरी इजी प्रोसेस टू गेट इमिग्रेटेड इन कैनेडा एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट कैनेडियन वर्क परमिट देयर। ईमेल एड्रेस आपने देना है, ईमेल एड्रेस वही देना है जिससे आपका कंटिन्यू कम्युनिकेशन होगा, जब तक आपको, अगर आपको नॉमिनेशन हो जाता है आपका, तो सारी कम्युनिकेशन इसी ईमेल एड्रेस पे होंगी। तो ध्यान दें, जो आपका ईमेल एड्रेस आप एंटर करेंगे वो प्रॉपर ईमेल एड्रेस हो। ओके, तो इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें, सबमिट करेंगे, ठीक है, शायद हमारे ईमेल द रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुल, यू विल रिसीव ईमेल एड्रेस। ओके, लेट्स चेक इट आउट। ओके, देखिए आ गया SNP ऑनलाइन लॉग इन प्रोग्राम, इस पर क्लिक करेंगे, उनके यूज़र नेम आ गया हमारे पास यहाँ पे, देखिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सेव पेस्ट करेंगे, देन पासवर्ड भी आ गया हमारा। ओके, देन आपने पासवर्ड चूज करना है, न्यू पासवर्ड, जो कि करंट पासवर्ड आप टाइप कीजिए, देन आप न्यू पासवर्ड टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें ध्यान रहे आपका एक लेटर कैपिटल, कुछ स्पेशल मार्क्स नंबर्स होने चाहिए ताकि वो आपके पासवर्ड को एक्सेप्ट कर ले, देन चेंज पासवर्ड। ओके, लेट्स सेव इट एंड प्लीज क्लिक हियर टू बिगिन।